हेलो फ्रेंड्स, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट आर प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड ऑफ सेम काइंड ऑफ टिश्यूज एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट प्लांट टिश्यूज। बेसिकली इन प्लांट टिश्यूज वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट टू टाइप्स, फर्स्ट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। सो फ्रेंड्स, इन आर दिस स्लाइड वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। दोस्तों, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है? एक्चुअली प्लांट टिश्यूज को दो भागों में क्लासिफाई किया गया है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ डिवाइड करते हैं, दे डोंट डू एनी काइंड ऑफ फंक्शंस सिमिलर जस्ट लाइक बायोकेमिकल फंक्शंस, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एंड सो ऑन। सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ डिवीजन का काम करते हैं थ्रू आउट द लाइफ। वो सिर्फ और सिर्फ सेल का नंबर इंक्रीज करेंगे और वो कोई इंपॉर्टेंट सेल का फंक्शन नहीं करेंगे। या फिर एक प्लांट की बात करें तो प्लांट की वो कोई काम नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ वो सेल नंबर इंक्रीज करेंगे। वहीं अगर बात करें परमानेंट टिश्यूज की, तो परमानेंट टिश्यूज जो होते हैं वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज से ही डिफरेंशिएट होकर के, इट मीन्स कि उनसे ही चेंज होकर के, उनसे मॉडिफाई होकर के परमानेंट टिश्यू बनते हैं और वो डिवाइड नहीं करती हैं। वो सारे सेल की प्लांट के इंपॉर्टेंट फंक्शंस को वो परफॉर्म करते हैं, जस्ट लाइक एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन एंड सो ऑन। ओके, सो हमारा ये टॉपिक जो है इसमें हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को कवर करेंगे। तो उससे पहले हम एक एक्टिविटी करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के लिए। ओके चिल्ड्रन, लेट्स बिगिन। सो हमें करना क्या है कि हमें दो फर्स्ट ऑफ ऑल टू अनियन लेनी है। सबसे पहले हमें दो ग्लास जार लेना है और उसमें दो अनियन बल्ब रखनी है, ठीक है? उस ग्लास जार में पानी भरा होगा। ओके, अब हमें क्या करना है कि नाउ टेक टू अनियन बल्ब्स एंड प्लेस ऑन वन ऑन ईच जार। अब दोनों ही जार जो कि पानी से भरा हुआ है उनमें क्या करना है, हमें दो बल्ब रखनी है अनियन की। एक्चुअली ये बल्ब क्या होता है, तो बल्ब होता है एक कंप्लीट अनियन जो होता है उसे हमें अनियन बल्ब कहते हैं। तो हमें क्या करना है कि दोनों जार में एक एक अनियन बल्ब को रख देना है। एंड नाउ ऑब्जर्व द ग्रोथ ऑफ रूट्स इन बोथ द बल्ब्स। अब हमें क्या करनी है कि ग्रोथ ऑफ रूट्स, रूट्स को देखना है कि रूट कितना ग्रो कर रहा है, ठीक है, फॉर अ फ्यू डेज। और हमें उस ऑब्जर्वेशन को क्या करना है कि टेबल में लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ अ टेबल एंड देन वी डिनोट डे वन, डे टू, डे थ्री, इस तरीके से हमें लिखना है। और फिर एक तरफ जार वन एंड जार टू, फिर जार वन में कितना दिखा गया, जार टू में लेंथ ऑफ रूट कितनी देखी गई, ये सारी चीजें जो है वो मेंशन करनी है इसमें इस टेबल में। नाउ ऑन डे फोर कट द रूट टिप्स ऑफ अनियन बल्ब इन जार टू बाय अबाउट 1 सेंटीमीटर। अब क्या करना है कि चौथे दिन हमें जार टू से अनियन को निकालना है और उसकी रूट टिप को क्या करना है कि 1 सेंटीमीटर तक काट देना है। एंड नाउ आफ्टर दिस ऑब्जर्व द ग्रोथ ऑफ रूट। अब हमें वापस से उस अनियन को रख देना है उसी ग्लास जार में। अब हमें क्या करना है कि हमें ऑब्जर्व करना है कि जार वन और जार टू में रूट की लेंथ कितनी होगी। फिर से हमें फ्रेश रिविजन करना है, ठीक है, फ्रेश हमें फिर टेबल बनाना है और फिर डे फाइव से शुरू करना है कि रूट में कितना लेंथ में ग्रोथ आया, जार वन में भी और जार टू में भी। तो हमें यहाँ पर इसके आंसर्स मिलेंगे बच्चों। जैसे पहला है, विच ऑफ द टू अनियंस हैज लॉन्गर रूट्स एंड व्हाई। तो दोस्तों, अगर आप ये एक्टिविटी करेंगे तो जानेंगे कि क्वेश्चन है कि दो अनियन में से किसकी लेंथ सबसे बड़ी मिली रूट में। तो ऑब्वियसली जार वन जो है उसकी लेंथ ज्यादा होगी, जार वन की अनियन की रूट ज्यादा होगी लंबी। वही अगर बात करें जार टू की तो उसकी लेंथ छोटी होगी। अब क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाई, बिकॉज ये हो पा रहा है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से। एक्चुअली क्या हो रहा है कि जो हमने क्या किया, हमने रूट को काट दिया था, तो एक्चुअली वो जो रूट टिप था उसमें ही मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्रेजेंट थी। और अगर हमने रूट काटा, इट मींस कि वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज भी चली गई, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज चली गई, तो अब सिर्फ जो है वो कौन सी सेल्स बच गई थी, सिर्फ परमानेंट सेल्स जो कि डिवाइड नहीं करती हैं। सो दैट्स व्हाई हमें आफ्टर कटिंग द रूट हमें क्या मिला कि जार टू की रूट्स जो है वो ग्रो नहीं कर रही है। वहीं अगर जार वन की बात करें तो हमने उसमें कोई चेंज नहीं किया है, हमने उसमें रूट टिप को नहीं काटा है, तो दैट्स व्हाई वो नॉर्मली रूट जो है वो ग्रो कर रहा है। वहीं अगर जार टू की बात करें तो वो ग्रो नहीं कर रहा है, ठीक है। नाउ डू द रूट्स कंटिन्यू ग्रोइंग इवन आफ्टर वी हैव रिमूव द टिप्स? नो। तो इसका आंसर हुआ कि नहीं, हमने रूट टिप को काट दिया तो उसके बाद रूट्स में ग्रोथ नहीं आ रही है। व्हाई सो? बिकॉज मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैव गॉन, वो चले गए हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो रूट टिप में प्रेजेंट होती है और वो टिप ही गायब हो गई है बिकॉज वी हैव कट। तो अब क्या होगा, कोई ग्रोथ नहीं होगी। थर्ड क्वेश्चन है, why would the tips stop growing in jar 2 after we cut them? Same, वही क्वेश्चन रिपीट हो रही है कि टिप्स
ग्रो करना क्यों बंद कर दी? एक्चुअली टिप में क्या होती है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होती है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जब तक रहेंगी तब तक सेल का नंबर इंक्रीज होगा। सेल का नंबर इंक्रीज कैसे हो रहा है? सेल डिवीजन से इंक्रीज हो रहा है। तो अगर हम बात करें मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ही नहीं रहेंगी तो फिर सेल डिवाइड नहीं करेगा, और अगर डिवाइड नहीं करेगा तो ग्रो नहीं करेगा। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो टिश्यू है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमने काट दी, और इसलिए हमें एक्टिविटी में जार वन में अनियन बल्ब जो है उसकी लेंथ बड़ी मिली। तो दोस्तों हमने एक्टिविटी की और इससे हमें समझा कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का इंपॉर्टेंस क्या होता है। ये जहां होगा वहीं ग्रोथ होगी, अगर हम उसे काट दें तो ग्रोथ संभव नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों हमने इस लेक्चर में क्या बात की, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से रिलेटेड एक्टिविटी की। नेक्स्ट क्लास में हम आगे बात करेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के क्लासिफिकेशन की, जिसमें हम जानेंगे एपिकल टिश्यू, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती है, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती है, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती है। इन सबों के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे। दोस्तों एक रिक्वेस्ट, अगर आपको ये चैनल से वीडियोस पसंद आ रही हैं सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, ओके। और आपको अगर कोई भी दिक्कत है तो प्लीज कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में, ओके। थैंक यू।